हेलो दोस्तों, आ गए हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि हम किसी भी फ़ोटो को कंप्रेस कैसे कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आपकी फ़ोटो का साइज़ 1 MB है, 400 MB है, 500 MB है, 600 MB है, 700 MB है, तो दोस्तों आप उसका साइज़ 50 KB, 30 KB या 20 KB तक कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना और नीचे हमें कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए नीचे आ रहे रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिएगा और पास में आ रहे बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने फ़ोटो को कंप्रेस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर का डाउनलोडिंग लिंक दोस्तों मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपके सामने जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इस जिप फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस जिप फाइल पर राइट क्लिक करेंगे माउस का राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट टू सॉफ्टवेयर का नाम आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा सॉफ्टवेयर का जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है। मैं इस सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है और यहाँ पर दोस्तों ये ऊपर एक फोल्डर मिलेगा आपको इस सॉफ्टवेयर का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों ऊपर ही पर आपको एक सॉफ्टवेयर का नाम मिल जाएगा। तो दोस्तों इसको आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों आपको इंस्टॉल करने की इसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको इसको डायरेक्ट ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको उस फोटो को यहाँ पर ऐड कराना है जिस फोटो को आपको कंप्रेस करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक फ़ोटो है दोस्तों मेरे पास, मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं इस फ़ोटो को कंप्रेस करूँगा। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ दिखा देता हूँ। तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे माउस का, राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए इसका साइज़ कितना है, 400 KB का इसका साइज़ है दोस्तों। तो इसको हम कम करेंगे दोस्तों इसका साइज़। तो हम क्या करेंगे, वापस से सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। तो सॉफ्टवेयर पे जाने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पर उस फोटो को ऐड कराना है। तो यहाँ पर हम ऊपर फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप ऐड पिक्चर, एक सिंगल पिक्चर को भी आप ऐड करा सकते हो या फिर पूरे फोल्डर को आप ऐड करा सकते हो। एक साथ आप मल्टीपल फ़ोटो को भी यहाँ पर कंप्रेस कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर फिलहाल के लिए हम एक फ़ोटो लेंगे। तो यहाँ पर ऐड पिक्चर पर क्लिक करेंगे। ऐड पिक्चर पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर फ़ोटो ओपन हो जाएगी दोस्तों, जहाँ पर आपने फ़ोटो रख रखी है। तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे है दोस्तों फ़ोटो, तो यहाँ पर इस फ़ोटो को मैं चूज कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये फ़ोटो आ गई है। तो इसका साइज़ भी आप देख लीजिए 400 KB का है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर इस फ़ोटो पर आपको क्लिक कर देना है। फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको राइट साइड में इसका प्रीव्यू दिखा देगा दोस्तों। तो इसका प्रीव्यू आपको यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दोस्तों ऐसा ही यहाँ पर प्रीव्यू दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों नीचे आपको क्वालिटी दिखा रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर आप क्वालिटी देख लीजिए। यहाँ पर अगर आपको इसका साइज़ बढ़ाना है तो दोस्तों आप बढ़ा सकते हो, और कम करना है तो यहाँ से आप कम कर दीजिए। तो मैं इसको 20% कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसको 20% कर लेता हूँ। तो 20 मैंने कर लिया दोस्तों, 20% यहाँ पर क्वालिटी कर ली है। उसके बाद दोस्तों इसका फॉर्मेट आपको कैसे रखना है, यहाँ पर फॉर्मेट आप PNG में रख सकते हो दोस्तों, JPG में रख सकते हो, BMP में रख सकते हो, इनपुट में रख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम JPG में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आपको रिसाइज पर क्लिक करना है। रिसाइज पर क्लिक करने के बाद में इसको आपको हाइट देनी है दोस्तों, इसकी जो विथ और हाइट देनी है दोस्तों आपको यहाँ पर। तो मैं इसकी जो विथ है वो दे देता हूँ दोस्तों 600। उसके बाद दोस्तों इसकी जो हाइट है वो दे देता हूँ दोस्तों 720। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको आउटपुट फोल्डर दोस्तों ये है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप इस फ़ोटो को कहाँ पर सेव करना चाहते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस, ये 3 डॉट दिख रहा है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपको लोकेशन चूज कर लेनी है कि कहाँ पर आपको इस सॉफ्टवेयर को, ये इस फोटो को सेव करना है। तो डेस्कटॉप पे चलते हैं दोस्तों, डेस्कटॉप पे हम क्लिक करते हैं। डेस्कटॉप पर दोस्तों एक फोल्डर दोस्तों, न्यू फोल्डर 4, तो दोस्तों हम इसी में सेव करेंगे। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम ओपन कर लेंगे दोस्तों। ओपन करने के बाद में हम सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करेंगे
और यहाँ पर दोस्तों ये सिलेक्ट हो गया है फोल्डर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जस्ट कंप्रेस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम कंप्रेस पर क्लिक करते हैं। कंप्रेस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पर ये कुछ इस तरह का कंप्रेस डाउन इस तरह का मैसेज आ जाएगा दोस्तों आपके सामने। और यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद में अब आप इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से हटा सकते हो। तो यहाँ से दोस्तों हम उस फोटो पर चलते हैं जिसको हमने कंप्रेस किया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये देख लीजिए न्यू फोल्डर फोर में हमारा ये फोटो आ गया है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर ये फोटो आ गया है। तो देखो दोस्तों मैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज आपको दिखाता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ, उसके बाद में यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर इसका साइज़ आप देख लीजिए 22 KB हो गया है दोस्तों इसका साइज़। और दोस्तों जो ओरिजिनल फ़ोटो है दोस्तों ये रहा बाहर। तो दोस्तों ये ओरिजिनल फ़ोटो हमने डेस्कटॉप पर रखा हुआ है और जो हमने कंप्रेस किया था वो न्यू फोल्डर में आ गया है। दोस्तों ओरिजिनल फ़ोटो का साइज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद में प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों इसका जो साइज़ है वो 404 KB का है। और दोस्तों जो हमने कंप्रेस किया था इसका साइज़ दोस्तों प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ और यहाँ पर दोस्तों इसका साइज़ है 22 KB का। तो दोस्तों यहाँ पर ये 400 KB से 22 KB में कन्वर्ट हो गया। और दोस्तों इसकी जो क्वालिटी है वो भी चेंज नहीं हुई है दोस्तों, सेम वही की वही क्वालिटी है दोस्तों फ़ोटो की। तो दोस्तों इस तरह आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से अपनी फ़ोटो को कंप्रेस कर सकते हैं, चाहे उसका साइज़ 1 MB हो, चाहे 700 KB हो, वो चाहे 700 KB हो, चाहे 800 KB हो, उसका साइज़ आप 20 KB में कर सकते हैं, 50 KB में कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना और नीचे हमें कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए नीचे आ रहे रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिएगा और बगल में आ रहे बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।